अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना, वीडियो इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत बोरिंग व्लॉग है, बहुत बोरिंग वीडियो है। बच्चों को जो है ना, आज दिल कर गया था ज़ैनब को पैनकेक खाने थे, और मेरा दिल नहीं था कि मैं पैनकेक बनाऊँ, तो मैंने कहा कि भाई खुद ही बना लो और फिर तुम लोग खा सकते हो, क्योंकि मेरे पास लेफ्टओवर कीमा रखा हुआ था रात का। तो मैंने सोचा कि पराठे बना लूँगी दो तीन और हमारा नाश्ता हो जाएगा, लेकिन मैडम ने जो है ना सारे प्लेन पे पानी फेर दिया। मेरा बिल्कुल भी आज मूड नहीं था, कुछ भी कुकिंग करने का दिल नहीं कर रहा था। तो आज मैंने डिनर में भी जो है ना माश की दाल बनाई थी, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। तो आज आपके लिए ना वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़ैनब किस तरह से पहली बार पैनकेक बना रही है वो देखिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बस ये मैडम जो है ना सुबह ही सुबह नाश्ते के टाइम पर आ गई हैं किचन में, अपना नाइट सूट भी चेंज नहीं किया है और ऐसे ही जिस हाल में थी वैसे ही आ गई है, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मुझे ये था कि मैं बस चाय बनाऊँगी और पराठे बना लूँगी, रात का कीमा रखा हुआ है, कीमा बहुत मज़े का बना था। जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहीं देखा है व्लॉग तो प्रीवियस व्लॉग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये मैडम नज़ाकत के साथ इसने अंडा तोड़ लिया है। मम्मा, अब अंडा तोड़ने में डर लगता है कहीं हाथ में ना टूट जाए, एक बार मेरे से है ना वो ज़मीन पे भी टूट गया था। अब दूध डाल रही है, अंडा डर डर के तोड़ लिया, अब दूध भी डर डर के डाल रही है कि दूध भी टूट जाता है क्या? दूध गिर जाता है। चले भाई, अब चीनी डाल रही है ज़ैनब। ज़ैनब चीनी कितनी डाली थी? 2 चम्मच डाली थी। 7 या 2? 2 जी, 2 चम्मच चीनी डाली थी इसने, 2 टेबलस्पून। और फिर अब इसकी और नज़ाकत चेक करें, अब ये कितना आराम आराम से ये बीट करती रहेगी। अगर ये ऐसे ही बीट करती रहेगी तो हमें पैनकेक नाश्ते में तो नहीं मिलने वाले, हमें डिनर में ही मिलने वाले थे, है ना ज़ैनब? तो दूध भी गिर जाता है, मिक्सचर भी पूरा गिर जाता है, इसीलिए। बिल्कुल ऐसी ही बात है, जब भी किचन में बच्चे काम करें ना तो बिल्कुल एहतियात से करें, चाहे थोड़ी सी देर लग जाए लेकिन आराम आराम से करना चाहिए। अच्छा, मुझे पता चला है कि मेरे बच्चे जो है ना, जब भी वीडियो में बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं या बहुत ज़्यादा मैं बच्चों के हिसाब से कोई वीडियो बनाती हूँ, तो बच्चे जो है ना, व्यूअर्स के बच्चे या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत शौक़ से वीडियो देखते हैं, तो ये आज का वीडियो है ना ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है। तो ज़ैनब, आपने मैदा कितना डाला है इसमें? मैदा मैंने 1 कप डाला था, फिर मिक्स किया था, फिर है ना, और है ना मम्मा ने भी मेरी मदद की थी, क्योंकि मैदा डालने के बाद ना थोड़ा सा मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और थोड़ी सी गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं, तो ज़ैनब तो घबरा जाती है बिल्कुल, ऐसा उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने मिक्सचर को ख़राब कर दिया। तो मैंने थोड़ी सी मदद कर दी थी बीटिंग में, बाकी सारा काम जो है ज़ैनब ने खुद ही किया है। क्वान्टिटी वगैरह वो देखती रहती है अक्सर करके, जब मैं कुकिंग कर रही होती है ना तो मेरे पास ही होती है ज़्यादातर, अक्सर करके नहीं ज़्यादातर, मेरे बच्चे क्या करते हैं स्लिप पर चढ़ के बैठ जाते हैं, और जब भी कुकिंग बेकिंग हो रही होती है ना, बहुत कोई ख़ास चीज़ बन रही होती है, तो वो किचन में ही होते हैं मेरे पास। तो बस थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दें और फिर इसमें फ्राइंग पैन में जिस तरह से अभी ज़ैनब डाल रही है ना नज़ाकत के साथ, बिल्कुल इसी तरह से। मम्मा जल्दी से पलटो। ज़ैनब ने फ्राइंग पैन में डाल तो दिया बैटर, लेकिन अब पलटे कैसे? ज़ैनब को पलटना तो नहीं आता। ज़ैनब क्या हुआ था? क्योंकि है ना मेरे ऊपर तेल के छींटे ना पड़े, और है ना मेरे से सही बनते भी नहीं, पूरा मिक्सचर वो हो जाता, पूरा फैल जाता। तो ऐसे थोड़ी फैलता है बेटा, अगर ये एक बार आपने कुक करने के लिए फ्राइंग पैन में डाल दिए ना तो फिर ये कुक हो जाता है ऊपर से भी, फिर जब आप पलटते हैं ना तो इतनी परेशानी नहीं होती, इसको आप आराम से पलट सकते हैं जिस तरह से आपने दूसरी बार पलटा था। तो ये ज़ैनब का सीखने का भी अमल था साथ साथ, क्योंकि आज पहली बार बना रही थी ना तो इसको पलटना ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने एक बार इसको पलटना भी सिखाया और दूसरी बार से माशाल्लाह से इसने खुद ही पलटा था और एक जला भी दिया। बस अब पलटो। पलट लोगी? जला भी दिया, जल गया है साइडों से, देखो। बस अब उठा लो, थोड़ी आंच कम करो ना, इसमें थोड़ा घी डालो।
बस अब एक तरफ जो है ना ज़ैनब को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम करूं वरना हस्बैंड को जो है दुकान की देर हो जाएगी और फिर मुझे जो है डांट पड़ जानी थी, इसलिए उसको साइड पे छोड़ के मैं आ गई थी अपनी तरफ। यहाँ पर मैंने कीमा निकाला है गर्म करने के लिए, एक साइड पर पैनकेक बन रहे हैं, एक साइड पर तवा पड़ा हुआ है, बीच में मैंने रख दिया है कीमा। अब ये कीमा जो है ना थोड़ी देर में ही गर्म हो जाएगा, तब तक मैं अपने पराठे वराठे बना लूँगी। भाई हम पराठे वाले हैं, हमसे ये पैनकेक शैनकेक सुबह में नहीं खाए जाते, ये बच्चों की फरमाइश पे मुझे बनाने पड़ते हैं, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मुझे तो ये कीमा ही खाना था। मुझे भी कीमा ही खाना था क्योंकि मम्मा ने इतना अच्छा कीमा बनाया था और मुझे खाने का दिल नहीं था, बनाने का दिल था पैनकेक। भाई ज़ैनब के मूड स्विंग्स भी मेरी तरह ही हैं, मुझे भी खाना बनाने से ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा खाना बनाने का दिल करता है। अब ये देखें ये जायंट वाला पेनकेक बनाया है इसने अभी, और ये सारे पेनकेक ज़ैनब ने खुद ही बनाए हैं, मैंने कोई एक पलटने के अलावा कोई हेल्प नहीं की है, बाकी सारे पेनकेक ज़ैनब ने खुद बनाए हैं। चॉकलेट स्प्रेड का तरीका चेक करें ज़रा आप, कितना शानदार है। मुझे पता नहीं था ना कैसे डालनी है। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए बच्चों ने, अगर कुछ बनाया है पहली बार बनाया है तो उनको मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए ताकि आगे भी बनाते रहें। जैसे कि ये हारिस अब जब देखें तब हफ्ते में 2 बार 3 बार ये फ्रेंच फ्राइज़ बना ही रहा होता है, और इसको इतना जो है ना शौक़ हो गया है, जब से मैंने इसकी तारीफ़ की है ना तो ये समझता है ये एक शेफ़ बन गया है और ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाला काम है ना बस यही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो मेरे अंदर टैलेंट है ना ये कुकिंग वाला थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे कि मुझे भी ट्रांसफ़र हुआ है अपने ख़ानदान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब आ गया था मेरा कुकिंग का टाइम, मुझे आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ भी बनाने का, मेरा दिल था आज बिरयानी बनाने का, मैंने सोच रखा था मेरे मेन्यू में प्लस हुआ हुआ था, लेकिन थोड़ी सी देर भी हो गई थी, फिर आपको पता है कभी कभी इंसान थक जाता है, तो थोड़ा मैंने अपना आइडिया जो है मैंने अपना जो प्लान्स थे मेरे वो सारे चेंज किए, और आज जो है ना मैंने ये माश की दाल बनाने का प्लान किया कि आज ये हल्का फुल्का सा बना लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह बिरयानी बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, और हो सकता है कि हम लोग कोई चैलेंज कर लें छोटा मोटा सा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चैलेंज की वीडियो पसंद करेंगे देखना या नहीं करेंगे। तो ज़ैनब कौन सा चैलेंज होना चाहिए? स्पाइसी बिरयानी चैलेंज। खा लोगी? यस। चलें देखते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए देखने के लिए तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे ये वाला चैलेंज। तो बस अभी जो है ना ये मैंने माश की दाल उबलने के लिए रखी है, जिसमें टमाटर और हरी मिर्चें मैं डाल के नमक और हल्दी डाल के उबलने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। बस ये होती है मेरी माश की दाल की रेसिपी, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। धनिया नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला। बस ये थी आज की बोरिंग वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।